यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अक्षय कुमार की एक और मूवी का रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ गाइस। मुझे एक बर्फ का गुला खिलाओ ना। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रहे। बुरा मत मानना, ये बंदा बहुत सारी मूवीज करता है, बट प्रॉब्लम ये है, करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मूवी करता है वो एक तो रिमेक्स होती है साउथ की, और या करता है तो इतनी जल्दी घाई भाजी में करता है कि उस मूवी को जिस तरह से कॉपी भी करना चाहिए फ्रेम बाय फ्रेम, वो कॉपी भी नहीं हो पाती है मूवी। और जो मूवी बन के आती है वो होती है कठपुतली, आग की कठपुतली। ऐसी मूवी बनाया गया है, जो कि इसमें मेन लीड रोल में है अक्षय कुमार, रकुलप्रीत सिंह, चंद्रचूर सिंह, ये बेसिकली मेन कैरेक्टर्स हैं। और ये पूरी मूवी रीमेक की गई है रत्सानन, जो विष्णु विशाल की जो मूवी थी, जो जबरदस्त मूवी है और अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पर हिंदी में डब, आप उसे जाके देख सकते हो। तो यदि आप इस मूवी का रिव्यू देख लो, पर जाके आपको रिकमेंडेशन है लास्ट में, आप रत्सानन जाके देख लीजिए यूट्यूब पर हिंदी में, जो कि मच 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 बेटर क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर जिसकी मैं आपका रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, कठपुतली, जो कि मूवी है तो रीमेक ऑफ रत्सानन, बट इसके अंदर जहां जहां पर भी इनको लीवे लेना था और वहां पे अपना लेफ्टिस्ट एजेंडा या जहां पे उन्होंने अपनी गंदगी मचानी थी वहां पे उन्होंने जमकर गंदगी मचाई हुई है। जैसे रकुलप्रीत सिंह जो करेक्टर है, वो जो रत्सानन में है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट इसमें उसका जो करेक्टर बिल्डअप किया गया है। जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कोल्ड नहीं कर सकता है, डांट नहीं सकता है, यदि करेगा तो बच्चा और जो टीचर उसके ऊपर केस कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज में ये ना पल पल पर इंक्लूड की गई है जो मूवी में नहीं थी ओरिजिनल। और यहां पर जो गाना था, गाना क्यों डाला गया समझ में नहीं आया। यहां पर जो ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जो उसका टेंशन है, आप वो ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं चाहोगे कि अपनी मूवी से जो थ्रिलर है, जो उसको आपको बांध के रखना है ऑडियंस को, उससे ना डायवर्जन हो जाए और वहां से जो ऑडियंस का जो अटेंशन वहां से हट जाए, वो यह मूवी उसको जानबूझ के ब्रेक करती है। यहां पर रकुलप्रीत सिंह का जो रोमांस है, जो डांसिंग है, जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है, जो ना गाना बीच में डाल दिया गया, भाई समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों गलती लोग जानबूझ के करते हैं। एक नोविस जो पेपर अभी नकल करते हैं ना एग्जाम में बैठ के, वो लोग भी पेपर वन वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लेते हैं। यहां पर एक अच्छी मूवी है रत्सानन, उसका फ्रेम बाय फ्रेम भी कॉपी नहीं कर पा रहे हो, और यहां पर जो आप मूवी बना रहे हो, जैसे कि मैं आपको सीन का एग्जांपल देता हूं, जब लड़की अपने मामा को लेके जाती है स्कूल के अंदर और जो फर्जी साइन करवा के, वहां पर वो मामा रत्सानन में गुस्सा हो जाता है, उसको मारता है और टीचर बोलती है अरे मत मारो मत मारो मत। बट यहां सीन में क्या दिखाया गया है कि जो अक्षय कुमार मारता भी नहीं है तो बोलती है अरे तुम डांटोगे उसको, डांटोगे तो तुम्हारे सोशल वर्कर्स को बुला के तुम्हारे ऊपर केस करवा दूंगी। आई मीन बस लाइक, ये क्यों बुलवा रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग चूतियापंथी। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज सो एंगर्ड, और मुझे जब बीच में गाना आया ना जो बर्थडे के बीच में, आई वॉज रियली ट्रिगर्ड, और मेरे को इतना गुस्सा आया था कि पूछिए मत। जो मूवी के अंदर खुद मामा और उसका बाप दोनों पुलिस वाले हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से लड़कियों का अबडक्शन एक सीरियल क्लियर कर रहा है, साखोपात कर रहा है, और उसकी खुद की बेटी स्कूल जा रही है, तो उसको बताते नहीं है कि भाई तुमको सचेत रहना है, किसी के साथ बात नहीं करना है। और दूसरी बात, जब कोई भी थ्रिलर जॉनरा की जो मूवी बनती है तो उसके अंदर होता क्या है, चार पांच ऐसे सस्पेक्टेड है जो इंडिविजुअल दिखाए जाते हैं कि ये लोग ना मर्डर कर सकते हैं, ये लोग रेप कर सकते हैं, दे कुड बी द विलेन, बट ये मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी रेफरेंस नहीं आता है कि किलर कौन रहेगा। और आपको जस्ट एक जो झलकी दिखेगी बस वो मूवी के आधे मूवी होने के बाद, तो उसमें आपको गेस करना पड़ेगा कि ये किलर वही रहेगा। ये जस्ट सोचिए ना कि कोई भी ऐसी थ्रिलर मूवी में मैंने नहीं देखा था। आप कोरियन मूवी कुछ भी उठा लीजिए, द चेजर उठा लीजिए, मेमोरीज ऑफ मर्डर उठा लीजिए, आई सॉ द डेविल उठा लीजिए, कोई भी मूवी उठा लीजिए थ्रिलर मूवी, इस तरह से मूवी को बिल्डअप नहीं किया जाता है। यदि जो ऑडियंस भी है बैठी है वो बेवकूफाना बैठ के देख रही है कि हाँ मर्डर हो रहा है, बट उसको भी इंगेज करना चाहिए ना। आप ऑडियंस को एक तरह से इंगेज करेंगे, आप उनको कैप्चर करेंगे, उनका अटेंशन, तब जाके मूवी वो लोग ज्यादा देखेंगे और उसके साथ वो लोग अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे और फिर उसको अंदर यू नो अपने आप को इंक्लूड कर पाएंगे, उस मूवी के साथ एक रिश्ता बना पाएंगे और उस मूवी के बारे में बाद में बात भी करेंगे। बट ये मूवी के अंदर बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जो रैंडम शिट कोई एक आदमी रहता है उसकी एक अलग सी स्टोरी है, जो पकड़ा जाता तो अपना खड़ा होकर बताने लगता है हाँ मैं ऐसा बुढ़ा हो रहा था, बुढ़ा होने के बाद कारण मुझे लड़की लोग झटक दी तो मैंने मर्डर करना शुरू कर दिया। ये क्या होता है भाई, ऐसे कोई मूवी होती है क्या? ऐसी तीन चार बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इस मूवी के अंदर। और जो अक्षय कुमार है वो भाई बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते हैं अपनी मूवीज के लिए, ये मैं लिख के देता हूं। रकुलप्रीत सिंह अपनी वो जो बॉडी को उतना ज्यादा दिखाने में वो इतना व्यस्त थी कि उसको उनको पता ही नहीं था कि एक्टिंग के बारे में उनको क्या रोल प्ले कर रही है और किस तरह से वो शिट
जो लेफ्टिस्ट एजेंडा रहता है वो जो इसके अंदर से बड़े ही धीरे से इसमें डाला जाता है बॉलीवुड की मूवीज में, ये बहुत ही ज्यादा ये लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और ये चीज जो लोग जानते हैं, जो लोग नोटिस करते हैं और डेफिनेटली इसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखते हैं, और ये बात डेफिनेटली नोटिस की जाएगी। ये जो 180 करोड़ रुपए हॉटस्टार ने इस मूवी का राइट्स लिया था और मूवी बनाई है, एब्सोल्युटली शिट मूवी है। इसके अंदर ना कोई अच्छी एक्टिंग है, ना इसके अंदर जो प्लॉट है, और ना जो इसके अंदर जो रीमेक बनाया गया है उसको प्रॉपरली कैप्चर भी नहीं किया है, एसेंस को कैप्चर नहीं किया गया, टेंशन को कैप्चर नहीं किया गया है, जो मूवी का सोल है, जो मूवी के अंदर एक तरह से जो टेंशन क्रिएट करना चाहिए, जो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करे, वो सब ये मूवी अपने आप को उससे अलग रखती है। बस अपना ही जो बकचोदी है, जो हंगना है, वो इस मूवी के अंदर क्लियरली दिखाया गया है। मैं इस मूवी को, इतना भी बुरा मूवी नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देखेगा उसको थोड़ा मूवी ठीक लगेगी, पर जिसने रत्सानंद देखी है, जिसने बहुत सारी इंटरनेशनल अच्छी मिस्ट्री क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी देखी है, डेफिनेटली ये मूवी उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही घटिया मूवी है। ये जो मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है उसको ना बना के भी इस तरह से घटिया बना के एक एवरेज शिट बना दिया इन लोगों ने, ये मूवी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है गाइस। प्लीज यूट्यूब पे जाइए, रत्सानंद अभी भी हिंदी में अवेलेबल है, वो जाके देखिए। कोरियन मूवी द चेजर देखिए, मेमोरीज ऑफ मर्डर देखिए, आई सॉ द डेविल देखिए, चोई बिंसिक की जबरदस्त मूवी, ऐसी ऐसी मूवी आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ना। आप लोगों मूवी देखोगे तो डेफिनेटली आप जब भी अक्षय कुमार की मूवी देख लोगे ना, आप रियली मेरे जो व्यूज है उससे कंकर करोगे, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ। इस मूवी की रेटिंग 8/10 4 है, और वो भी बहुत बढ़ा बढ़ा के मैं दे रहा हूँ, नहीं तो ये मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, ये ओटीटी पे भी देखने लायक नहीं है। आप जाके यूट्यूब पे देख लो यार, फ्री में क्यों ओटीटी को पैसा देना चाहते हो आप लोग? बर्बाद जाने दो उनके पैसे, जब वो ऐसे अटेम्प्ट करके मूवी बना रहे हैं। जब रीमेक ही बनाना है तो बॉलीवुड कम था, वो तो रीमेक बना ही रहा था भाई। डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी भी जब एक ओरिजिनल मूवी की ऐसी शिट रीमेक बनाने लगेंगे तो डेफिनेटली उनका जो सब्सक्रिप्शन भी नहीं बनता है। गाइस मैं मूवी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये मूवी देखने लायक नहीं है। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है, यदि मेरे जो स्ट्रॉन्ग व्यूज मैंने इसमें डाले हैं वो मेरे फ्रस्ट्रेशन के कारण डाले हैं। मैंने सोचा था कि इसके तो क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर अच्छी मूवी होगी, मैं इस जॉनर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। और जब इस तरह का मैं जब गाना देखा ना, और जिस तरह से रघुल प्रीत सिंह जब अक्षय कुमार को डांट रही थी, मेरा तभी उधर से आधा टॉप उड़ गया था भाई। तो बिल्कुल भी मूवी मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैं आपसे करो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यदि आपके जो व्यूज है प्लीज कमेंट करिए, वीडियोस को लाइक करिए, जितना वीडियोस को लाइक करेंगे यूट्यूब उतना ज्यादा प्रमोट करता है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और भी मेरे चैनल मैंग सिंह टेक बिट्स और गेमिंग नेट्स में सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर्स के रिव्यू मिलूंगा, डेफिनेटली अच्छी मूवी के रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों का मेरा प्रेम भरा नमस्कार।